हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सी एस जस्ट आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट अब जब बात आती है सी एस सी एस सी एम एग्जाम्स की तो उसके साथ एक बहुत ही आई वुड से कॉमन डर जो है वो जुड़ा है विच इज ऑफ मल्टीपल फेलियर्स क्या होगा अगर हम मल्टीपल फेलियर्स के चेन में फंस गए तो व्हाट विल हैपन देन और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस पैटर्न में एक्चुअली फंस गए हैं आई गेट सो मेनी डी एम्स इन विच स्टूडेंट्स आस कि अब हम क्या करें यू नो आर फेलिंग अगेन एंड अगेन देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग नाउ ये चीज़ें अभी करनी बंद करो अगर आप इस विशियस सर्कल से निकलना चाहते हो बिकॉज आई नो वंस यू आर इन टू इट हर बार ऐसा लगता है वी आर डूइंग इट गुड दैन वी डोंट डू इट एंड देन वी डोंट क्लियर इट और फिर वो चीज कहीं ना कहीं इमोशनली एंड मेंटली भी हमें ब्रेक डाउन करती है सो हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट आई विल टेल यू दैट बट बिफोर दैट आई होप दे सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट प्लीज हेट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकन राइट नेक्स्ट सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप फेलियर फेस कर रहे हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो Then, there's no problem. वहाँ पे आपको पढ़ना है लेकिन अगर आप अपना मन से पढ़ रहे हो सब कुछ कर रहे हो बट स्टिल यू आर फेसिंग फॉर यू तो क्या क्या हमें करना रोकना है वी नीड टू स्टॉप फर्स्ट थिंग स्टॉप फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ स्टडिंग देखो एक चीज तो है कि फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी है उस कमी को हमें चेंज करना है सबसे पहले तो स्टडिंग का पैटर्न चेंज करो बहुत सारे बच्चे लाइक ऑफ़ कोर्स हर बच्चा अपने पैटर्न के हिसाब से पढ़ता है बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स देन यू नीड टू चेंज इट आपका बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है जिस तरीके से आप पढ़ते हो जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल पोर्शन कर जाते हैं थ्योरी नहीं करते या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पता है कैसे पढ़ते हैं जस्ट एक ओरल जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ते दे नेवर सॉल्व देम देन हाउ विल यू एबल टू क्लियर इट अपने स्टडिंग पैटर्न में कमियाँ देखो देखो कि कहाँ आप लैक कर रहे हो क्यों क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हैं राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ है यू विल फाइंड द सोल्यूशन पैटर्न को चेक करो एंड यू हैव सो मच ऑफ फ्री यू नो एक्सेस टू गाइडेंस एंड कोचिंग क्या आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो कि आपके पैटर्न में कहा कमी कैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं क्या वो सही तरीका है उन्हें पढ़ने का कैसे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं क्या वो सही तरीका है उन्हें पढ़ने का वो सारी चीज़ों को चेक करो और देखो कहाँ गलती है और अपने पैटर्न को चेंज करो यू नीड टू चेंज इट भले टाइम शेड्यूल चेंज कर लो डेज चेंज कर लो सब्जेक्ट्स अदला बदली कर लो बट डू समथिंग टू ब्रेक दैट पैटर्न बिकॉज कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज रजिस्टर है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हम क्लियर नहीं कर पा रहे वेन यू विल स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स योर माइंड विल ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग सेकेंड थिंग स्टॉप ब्लेमिंग डेस्टिनी हमारी तो किस्मत ही खराब है हमारे साथ तो ऐसा ही होता है ये सारी चीज़ें छोड़ दो ठीक है आई आई कम्प्लीटली बिलीव कि किस्मत इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल विद हार्डवर्क एंड प्रेयर वी कैन मेक इट हैपन ठीक अगर अल्टीमेटली डेस्टिनी को ही ब्लेम करना है तो फिर कोई भी मेहनत नहीं करेगा राइट सब बैठे हैं ठीक है किस्मत में होगा तो मिल जाएगा दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड जब आप एजुकेशन में स्पेशली जब आप एजुकेशन में आते हो यू विल हैव टू स्टडी व टू स्टडी यू विल हैव टू स्ट्रगल तभी आप क्लियर कर पाओगे तो ब्लेमिंग डेस्टिनी इज नॉट द थिंग अगर ये सब चीजें कर रहे हो अभी रोक दो थर्ड थिंग स्टॉप डिलेइंग एंड प्रोकेस्टिनेटिंग पता है हर बार जब क्लियर नहीं होता तो बच्चे सोचते हैं इस बार तो हम अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे इस बार तो मैं पूरी मेहनत करूंगा ये करूंगा वो करूंगा द प्रोमिस आर बिग बट कहीं ना कहीं फिर वही चीज होती है डिले होता है प्रोकेस्टिनेशन होती है एंड एट द एंड हम वहीं पे आ जाते हैं सो दैट नीड्स टू स्टॉप जब आप ये मत सोचो मैं कल से शुरू करूंगा आज से करो कोई बात नहीं दो घंटे नहीं पढ़ सकते स्टार्ट विथ वन आवर स्टार्ट स्टार्ट विथ ट्वेंटी मिनट्स इट इज ऑलवेज गुड टू बी ऑन ट्रैक आई फील पढ़ना सबसे मुश्किल चीज़ है लाइक like, सबसे मुश्किल चीज़ है पढ़ना तो जितना हम उसको डिले करते रहेंगे ना चलो कल से शुरू करेंगे आज ये काम कर लेते हैं चलो परसों से शुरू करेंगे इट विल नेवर गेट स्टार्टिड एंड वेन इट विल नॉट गेट स्टार्टेड ऑन टाइम यू विल फील इट डिफिकल्टू कम्प्लीट टूवर्ड्स एंड फिर ये होता है सिलेबस कम्प्लीट करें कि रिविजन करें कि राइटिंग प्रैक्टिस करें बात वहीं आ गई सो डिलेइंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट्स टू और ये बहुत बच्चे करते हैं बहुत बच्चे डिले करते हैं अभी नहीं पढ़ेंगे रिजल्ट में पढ़ेंगे रिजल्ट आ जाता है फिर हम ये देखने बैठ जाते हैं कि अब ग्रुप कौन सा दें फिर एग्जाम फॉर्म भरेंगे एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट तक हम नहीं पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर और चीजें होती हैं प्री टेस्ट होता है वो सब होता है फिर उसमें हम लग जाते तो पढ़ेंगे कब सो दिस इज द प्रॉब्लम डिले है और कोई नहीं कर सकता क्लासेस शुरू हो जाती हैं, मेंटोरशिप स्टार्ट हो जाती है गाइडेंस स्टार्ट हो जाती है बट इट इज ऑन यू कि आप कब अपना डिले स्टॉप करके आप कब पढ़ोगे दैट इज इंपॉर्टेंट स्टॉप टेकिंग शॉर्टकट्स क्या होता है वेन यू डोंट स्टार्ट ऑन टाइम फिर क्या होता है अच्छा हम इतना पोषण करके चले जाते हैं मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है मेरा ये पोर्शन वीक है ऑल दिस विल हैपन फिर फायदा क्या दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ एटलीस्ट नाओ आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज अब इंस्टीट्यूट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं बिकॉज आपके पास बेस्ट गाइडेंस है बेस्ट मैंटोरशिप है पेपर अब ऐसे ही आएंगे एंड इफ यू से मेरा ये पार्ट स्ट्रॉग है ये पार्ट स्ट्रांग नहीं है ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ये सब्जेक्ट यू नो वीक है इफ़ यू आर इफ यू नो कि मैं यहाँ पे वीक हूँ तो उस पर मेहनत करो You really can't be like, क्योंकि पेपर कैसे भी आ सकता है यू कैन गेट पेपर इन एनी फॉर्म एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट सो एकदम शॉर्टकट लेने बंद कर दो कि, मैं आपको एक चीज बताती हूँ आई ऑल्सो गिव थर्टी डेज स्ट्रैटी सिक्सटी डेज स्ट्रैटी लेकिन उसके वीडियो के स्टार्ट होते ही मैं कहती हूं ये मैक्सिमम उन बच्चों के लिए काम करता है जो कुछ ना कुछ पढ़ के आ रहे हैं बिना कुछ पढ़े बहुत रेयर है कि बच्चे क्लियर कर जाए कोई एक आधा होगा ठीक है उसकी स्टोरी मे भी किसी ने शेयर कर दी या यूट्यूब पे वो खुद आके बोलेंगे बट इट इज़ वेरी रेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हो सकता है उस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है हो सकता है वो बच्चा लॉ के बैकग्राउंड से है हो सकता है वो बच्चा मतलब उसके घर में कोई है उसे गाइड करने के लिए इट्स अ लॉड ऑफ थिंग्स जो वो तो बताते ही नहीं है और आपको लगता है इन्होंने कर लिया हम भी कर लेंगे डोंट टेक शॉर्टकट्स अगर आप इंश्योर करना चाहते हो मल्टीपल फेलियर्स का ये भी बहुत रीजन है हम ये पोर्सन कर जाते हैं हम ये पोर्शन छोड़ जाते हैं प्रायोरिटी बता दो अभी रिजल्ट आते ही मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर ओनली फॉर योर प्रायोरिटी नॉट के आधा छोड़ दो आधा कर जाओ फिर नहीं करोगे आप क्लियर राइट एंड द लास्ट थिंग इज स्टॉप गेटिंग एंशियस इन एग्जाम्स बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो डर है कि फिर से फेल हो गए उसे भी छोड़ दो उस डर को भी छोड़ दो वो डर भी आपको पढ़ने नहीं देगा सो यू हैव टू बी रेडी विद अ पॉजिटिव माइंड सेट विद अ लॉट ऑफ यू नो हार्डवर्क विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस वो सब कुछ होगा तभी पेपर क्लियर होगा राइट right? तो एंशियस होना तो बिल्कुल छोड़ दो पेपर में दैट विल नॉट हेल्प एग्जाम्स में ना बच्चे एंक्शियस या पैनिक होके और ज्यादा पेपर खराब ही करते हैं राइट तो ये पांच चीजें हैं जो आपने करनी बिल्कुल बंद कर देनी है इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ मल्टीपल फेलियर्स बिकॉज यू इन टू इट ना फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है एंड लाइक वाइज आई टोल्ड यू उनके लिए नहीं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके लिए जो पढ़ भी रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है आई वुड एडवाइज यू ये सारी चीज़ें ना पेपर पे लिख के सामने लगा लो अपने जहां भी पढ़ते हो रूम में अलमीरा पे वॉल पे एंड रीड इट Again and again and again. It's very important. Break the pattern now, right? And clear the upcoming exams. I hope this video helps. Achhi like in videos comment section mein batana aur kauen -kauen si videos and I will be there to help you with your doubts and with your queries. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.